हम बीजेपी का सम्मान करते हैं। बीजेपी हमेशा सनातन धर्म के लिए हर कार्य करती चली आई है। पार्टियां कोई भी हो, लेकिन जो कार्य बीजेपी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए किया है, हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदू ब्राह्मण या जो भी हर वर्गों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सभी के लिए, कोई वैश्य नहीं है, वैश्य का कर्म करने वाला वैश्य होता है। और हमारे सुधा जी तो बेचारे हर संख्या विचारू तैयार रहते हैं हर कार्य में। विप्रधेन सुरफंत हित लीन मनुजे अवतार, विप्रधेन सुरफंत हित लीन मनुजे अवतार। भगवान नारायण, भगवान सदाशिव स्वयं जो ब्राह्मणों की वाणी है, ब्राह्मणों का उभ है, भगवान का मुख है। आशीर्वचन देने के लिए ब्राह्मण समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना है? सनातन धर्म का विश्व प्रसिद्ध प्रचारक ब्राह्मण है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया ब्राह्मण पढ़ता है, और ब्रह्मा का आचरण करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण है। मैं हर सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों को, राज्य मंत्री सुभाष सुधा टीम के सभी सिपाहियों को कल इस कार्यक्रम के लिए विजय भव आशीर्वाद देने के लिए सादर निमंत्रण देता हूँ, और इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सनातनी हिंदू धर्म में ब्राह्मण समाज के अंदर बड़ा उत्साह है, और बहुत बहुत साधुवाद, सब इसमें ज्यादा दल बल के साथ पहुंचेंगे, मैं इतना ही कहूंगा। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का यहां पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल 23 अगस्त को शुक्रवार शाम 5 बजे रेलवे रोड के पर्ल मार्क होटल में हम ब्राह्मण और संत समाज इकट्ठा होकर के एक आशीर्वाद समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसका मकसद और सिर्फ यही है कि पूरा संत समाज, ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के एक आशीर्वाद के रूप में हमारे जो राज्य मंत्री जी हैं श्री सुभाष सुधा जी, उनको आशीर्वाद देने के लिए कि उन्होंने जो भी कार्य हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए किए हैं, तो उनका हम आशीर्वाद के रूप में उनका समारोह जो है कल कर रहे हैं। कि उनकी शुरुआत जो है, क्योंकि उनका खुद का ध्येय यही रहा है हर बार कि ब्राह्मणों और संतों का आशीर्वाद लेकर के ही वो अपने चुनावी शंखनाद करते हैं, तो कल वही एक मौका है कि कल आशीर्वाद के रूप में हम सभी संत लोग, ब्राह्मण लोग इकट्ठा होकर के उनको आशीर्वाद देंगे। शाम 5 बजे रहेगा। बहुत बड़े बड़े संत जो है, बड़े बड़े जो हमारे महान संत हैं, बड़े बड़े जो ब्राह्मण वो है, वो सभी वहां पर आपको दिखाई देंगे, वो सभी आशीर्वाद के रूप में देंगे। देखिए, हम अगर हम ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, संत समाज की बात करते हैं, हम ब्राह्मण और संत जो है ना जी, सदा से ये रहा है कि परोपकार की भावना से ये लगे हैं आज तक की। दूसरा, जो हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो भी कार्य ब्राह्मण समाज के लिए इन्होंने किए हैं, जो मैं तो सबसे पहले मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य है मंदिर के निर्माण से लेकर के हिंदू राष्ट्र को जगाने का जो कार्य हिंदू उन्होंने किया है, उस ध्येय को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं। और यहाँ 10 साल से जो विकास कार्य है वो तो सबकी सबको दिख रही है। कालेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे सनहित सरोवर का जीर्णोद्धार हो, चाहे हमारी धर्मशालाएं हो, वो सब लोगों को दिख रही है। जो जो हमारे मंत्री जी ने वैसे तो बिना किसी भेदभाव के सारा कार्य किया जी, बिल्कुल। देखिए, ज्योतिसर तीर्थ से लेकर के ब्रह्म सरोवर तीर्थ, इनका ध्येय मंत्री जी का यही रहा है कि किसी भी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हमारा कुरुक्षेत्र जो है पूरे विश्व के अंदर चमके। ये सारे कार्यों को लेकर के, चाहे वो ब्रह्म सरोवर का चलता पानी है, चाहे 250 करोड़ से ज्योतिसर में जो बन रहा है, बहुत मतलब विश्व के रूप में एक जो ब्राह्मण समाज का मतलब आशीर्वाद भी नहीं होगी, राजनीति में क्या महत्व इस बात का, कितना असर पड़ेगा? देखिए, भगवान विष्णु कहते हैं कि जो है ब्राह्मणों का जो मुख है वो मैं हूँ, कह ब्राह्मणम मुखस्य अहम अस्ति, कहे मैं ब्राह्मणों के जो वचन होते हैं ना वो मेरे वचन होते हैं। अब जब ब्राह्मण सारा उठ करके और संत समाज उठ करके जब आशीर्वाद देगा तो विजय तो हो गई होगी पक्का। सुभाष सुधा को आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या? ब्राह्मणों ने सदा ही आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण तो वो चंदन का वृक्ष है जो अपने को काटने वाले को भी सुगंधित कर देता है, और भारतीय जनता पार्टी
और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए और धर्म हित के लिए जो कार्य किए हैं, उन्हीं का ही परिणाम है कि आज ब्राह्मण समाज सुधा जी को आशीर्वाद दे।